तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जिसने भी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो हमारी फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है, वो निकल कर आती है पबजी मोबाइल को लेके। तो हमारे को दो टीम जिनका नाम है फिनिक्स एंड 18+, वो हमारे को बैन होती हुई दिखाई दी पूरे एक साल के लिए। एंड इसका रीज़न बताया गया था कि वो टीम अप वगैरह कर रहे थे, एंड उनकी वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। Bang, gue sambelin banyak banget bang. Dan kalau kita lihat dari biasanya tadi tempat oleh tim juga nggak ada gangguan sama sekali. Kita lihat ya guys ya, ini PMPL saya. Jadi ada tiga wakil Indonesia, ada BTR, Dewa United sama yang lewatnya GPX. Pertemuan ke junior dari berapa? Dari 16 tim ini yang diambil tiga tim. Kita doakan semoga tim Indonesia dapat dua slot ya kan. Masih ada tiga match lagi. Wah ditabrak langsung. Pakai bakal coba diambil satu-satu aja. Bang for you. Tidak terlihat di sini apa yang terjadi sama mereka, tapi dari hanya Bang For You aja, tapi yang lain-lainnya aja masih poinnya bergerak, dan gue masih belum tahu nanti keputusan siapa? Apa yang akan terjadi dari masing-masing. Kok karena selama ini तो विराज को लेके, तो जो सोमराज है उनसे पूछ रहे थे लोग कि जो स्काउट है उनको एसजी में ज्वाइन कर लो, तो इस पे उन्होंने क्या रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। HYVE HIV नहीं भाई, स्काउट को टीम में ले लो, अच्छा प्लेयर है वही, वेरी गुड। हाँ ब्रो स्काउट, और मतलब कैसे बताऊँ, स्काउट का फ्लैंक मतलब फिर फ्लैंकर्स बढ़ जाएंगे टीम में, मतलब उसका इतना अच्छा फ्लैंक है, फिर मेरा भी, मैं भी फ्लैंक कर लेता हूँ, तो फिर हम लोग दोनों एक साइड से फ्लैंक करें तो टक्कर हो जाएगी, बात वहाँ आ रही है। और स्काउट फिल्टर भी कर लेता है, बट हमारी टीम में ऑलरेडी एक फिल्टर है पुकार, बट हाँ ऑब्वियसली स्काउट का फिल्टर हमारे पुकार से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसे PEL और अभी जो इवेंट हुआ था आफ्टर शो डाउन वॉच, क्या था वो शो डाउन आफ्टर पार्टी, उसमें भी वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पहला मैच में क्लच किया, तो अब बट अब हमारी भी फैमिली की तरह ये पुकार और गमला है, तो हम उन्हें हटा नहीं ना सकते, तो समझो गाइस। तो वो अभी ऑलरेडी एक स्टेज पे है और पुकार सीख रहा है धीरे धीरे, उसका एज बहुत कम है, तो वो एज के साथ सीख जाएगा पुकार। तुझे एंड इसके बाद जो मम्मी है उनसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो स्काउट है वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। स्काउट वाले ने रिटायरमेंट ले लिया क्या, मेरे को नहीं पता, मेरी अभी स्काउट के साथ बात हो रही है, उसका सेटअप करा हुआ है। मैंने वो बोलता है कि मैं के दिमाग की मार चली पड़ी है 2 घंटे से, मैंने कहा वही कर दे पीसी वाला कैमरा को। एंड इसके बाद जो वीरू है उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड सबसे पहले उनसे पूछा गया था कि वो न्यू ऑर्क को ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा। कैसे हो ब्रो, कोई ऑर्क ज्वाइन कर रहे हो? माय गॉड ब्लेस यू ब्रो, नो नो नॉट येट, आई एम गुड भाई, अब ग्राइंड करो हमारे साथ। एंड अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा तो जो वीरू है उन्होंने इंस्टाग्राम से सबको अनफॉलो कर दिया, एंड यही रीजन उनसे पूछा गया था स्ट्रीम पे, तो उन्होंने इसके बारे में बात करी है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं, चूहे का ताऊ, आई एम गुड ब्रो। इंस्टा में सबको अनफॉलो क्यों किया है ऐसे यार, मैं इंस्टा यूज नहीं करता। एंड इसके बाद हमारे को टीम HAVE के जो है वो चैंपियन बनती हुई दिखाई दी थी एसर प्रेडेटर लीग के, एंड अब वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं टीम इंडिया को जापान में। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स को लेके, एंड आप लोगों को भी पता ही है कुछ दिन पहले हमारे को कुछ स्क्रीनशॉट्स देखने को मिले थे जो कि कुछ फैन पेजेस एंड स्काई लॉर्ड ने भी डाले थे, जिसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि जो स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स का इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बेस्ड इन पाकिस्तान है, बट जो ज़ियान है उन्होंने आज एक स्क्रीनशॉट डाला था जिसमें क्लियरली शो हो रहा था कि वो बेस्ड इन इंडिया है, एंड वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एंड इसके बाद उन्होंने इस पे नीचे रिप्लाई भी किया था। एंड इसके बाद जो इको अपडेट्स हैं उन्होंने कुछ लीक्स वगैरह दी थी, एंड उन्होंने अपनी स्टोरी पे डाला था कि जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रिलीज़ करने वाली है अपना BGMI रोस्टर, एंड उनमें से उन्होंने एक हिंट भी दिया था कि जो उनका नाम है वो स्टार्ट होता है ई से। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी ऑर्ग अपना जो रोस्टर है वो रिलीज़ करने वाली है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी गैसेज बता सकते हैं। एंड इसके बाद जो वीरू हैं उनसे पूछा गया था कि उन्होंने गॉड लाइक को लीव क्यों किया, एंड साथ में उनसे पूछा गया था कि वो मिस करते हैं TX को, तो इस पर उन्होंने रिप्लाई करा, एंड उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। Zero do you still manage to be a part of
गए भाई अभी वो दिन, अभी कुछ नहीं कर सकते। गुड ओल्ड डेज ब्रो। गॉडल क्यों लिव कर दिया ऐसे ही? ऐसे ही ब्रदर। कुछ लाइन मिला कि नहीं? मतलब ब्रो आई मिस यू इन टीएक्स, यू आर ऑलवेज मिसिंग दैट गैप इन टीएक्स फॉरएवर। कोई बात नहीं भाई। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना।